दोस्तों, चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और सेमी की सब्जी रेसिपी। देखिए, इसके लिए मैंने सेमी को तोड़ ली है अच्छे से, और इधर आलू प्याज वगैरह को मैंने धो के अच्छे से रख दी है। अब मैं उसकी कटिंग कर लूंगी। अब इधर मैंने सेमी को पहले उबाल के बनाऊंगी। यहाँ पास मैंने इसे उबालने के लिए रख दिया। देखिए, इसको अच्छे से उबाल लेंगे। इधर सेमी उबल रहा है। इधर मैंने लिया कढ़ाई में तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी जीरा। देखिए, तेल जितना अधिक गर्म रहेगा उतना ही अच्छे से तड़कता है जीरा, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म होने दे। फिर मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरी मिर्च और प्याज। हरी मिर्च मैंने ज्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती सब्जी में, तो आप अपने हिसाब से डालें। प्याज और मिर्ची को हल्का भून लेंगे। जब प्याज और मिर्ची अच्छे से हल्का भून जा जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। देखिए, आलू को मैंने ना ही बड़ा और ना ही छोटा, मीडियम साइज में कट कर ले। कढ़ाई जितना गर्म रहता है तेल, तो आलू भी चिपकते नहीं है, और तेल अच्छे से गर्म नहीं रहता है और आप आलू को डाल देगा तो चिपक जाता है, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म होने दे तभी डाले। इस तरीके से बीच बीच में चम्मच चलाते हुए आलू को अच्छे तरीके से भूंजेंगे। आप चाहे तो सेमी को बिना उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सेमी में बहुत अधिक दवाई छिड़क रहता है, तो दवाई का कुछ मतलब आज पता चल जाता है सब्जी में, इसलिए मैं उबाल दे रही हूँ। दवाई या फिर उसमें कच्चापन रहता है तो वो दूर हो जाता है। देखिए, इस तरीके से आलू अच्छे से भुंजाने वाला है, थोड़ी देर और भुंजेंगे। देखिए, आलू अच्छे से भुंजा गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो सेमी आलू ने उबालने के लिए रखे थे, उसको धो ले अच्छे से पानी से, फिर मैं इसको ऐड कर दूंगी। सेमी उबल गए हैं तो हल्का ही भुंजेंगे, इसको ज्यादा भुंजेंगे नहीं। देखिए, मैंने सभी सेमी को ऐड कर दिया और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूंगी आलू और सेमी को। फिर इसको थोड़ा देर के लिए भून लेंगे सेमी और आलू को साथ में। देखिए, इस तरीके से बीच बीच में चम्मच चलाकर थोड़ा देर सेमी आलू को भूनेंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सेमी को थोड़ा देर भून लेंगे। जब सेमी भून जा जाएगा हल्का, तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी देखिए सेमी भी हल्का अच्छे से भून जा गया है। अब मैं इसमें चला दूंगी चम्मच। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर इस्तेमाल की है। आप अपने हिसाब से टमाटर की क्वांटिटी को डाल सकते हैं। देखिए, मैंने टमाटर को कटिंग कर ली है। अब टमाटर को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर टमाटर को भी पकने देंगे। टमाटर को थोड़ा देर पका लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और हल्दी पाउडर।
चम्मच की मदद से सभी मसाला को अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी में। देखिए तेल की क्वांटिटी को अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मीडियम ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अब मैं थोड़ी देर इसको ढक के पका लूंगी सब्जी को। देखिए थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद मैं इसको अच्छे से और खोदूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। दो गिलास के करीब पानी इस्तेमाल किया मैंने। अब इसको अच्छे से पका लेंगे ढककर। देखिए सब्जी अच्छे से पक गया है। थोड़ा देर देखिए रसा है हिल गया, तो अब बिना ढके थोड़ी देर और इसे पका लेंगे। रसा को अगर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आलू को मैश कर दे चम्मच की मदद से। तो इस प्रकार से आलू और सेम की सब्जी बनाइए, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। देखिए इस प्रकार से अच्छे से सब्जी बन करके रेडी है। थैंक यू।